चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है केयर डायग्नोस्टिक सेंटर अल बाकिर कॉम्प्लेक्स जिला चिकित्सालय के सामने सलूमर। अब यह स्पष्ट है पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस के समक्ष यह विरोध करनी सेना का है, राजपूत समाज का है। इन सब का यह आक्रोश सलूमर क्षेत्र के जलरा थाना अंतर्गत बामनिया गांव में पिछले दिनों राजपूत समाज के दिव्यांग बुजुर्ग वकत सिंह के साथ सरपंच भगवती लाल व उनके परिजनों द्वारा मारपीट के विरोध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया है। राजपूत समाज व करनी सेना के प्रतिनिधियों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया और सरपंच सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत ने शीघ्र अनुसंधान कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस पर सरपंच व अन्य सहयोगियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठी FIR दर्ज करने पर खेद प्रकट किया। इस दौरान भाजपा नेता नरेंद्र मीणा, दौलत सिंह कलासुआ, पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष सोनलाल चौधरी, मेवल मंडल अध्यक्ष यशवंत त्रिवेदी, OBC मोर्चा जिला मंत्री भागीरथ लक्षकार, युवा मोर्चा अध्यक्ष कीर्तिमान सेठ के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। तो वहीं करनी सेना की ओर से करनी सेना जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जाला, जिला उपाध्यक्ष वीर केसर सिंह देवला, नरेंद्र सिंह मोजावत, तहसील अध्यक्ष उदय सिंह, शिव सिंह, जितेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह डाल, तहसील सचिव अर्जुन सिंह, भगत सिंह मैथुड़ी, तेज सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह सहित राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। और सर राजपूत समाज संगठन ने एकत्रित होकर डिप्टी मैडम को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हम यही मांग करते हैं कि हमारे वक्तावर सिंह जी के साथ जो मारपीट हुई है उनको न्याय मिले और डिप्टी मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम 7 दिन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर पर सभी प्रकार की सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें 3D, 4D, कलर डोपलर, फीटल एनोमली स्कैन व सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे विथ रिपोर्टिंग ECG की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें केयर डायग्नोस्टिक सेंटर अल बाकिर कॉम्प्लेक्स जिला चिकित्सालय के सामने सलूमर। मोबाइल नंबर 9414737586 पर संपर्क करें।